हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 64 बीपीएससी मेंस जैसे कि आज से स्टार्ट हो गया है 12 जुलाई से, तो इसे हम आज जो हमारा पहला पेपर था ये जनरल हिंदी का था, जो क्वालिफाइंग इन नेचर था, मतलब आपको मिनिमम मार्क्स इसमें पास करने थे, इसके मार्क्स आपके कट ऑफ में नहीं ऐड होंगे। तो इस पेपर को हम देख लेते हैं, जो कि हमारी जो है 65th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा, उन्हें भी गाइडेंस मिलेगा कि कैसे उनके आगे की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये मैक्सिमम 3 घंटे का पेपर होता है और इसके मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब मिनिमम मार्क्स आपको पास करने के लिए चाहिए 33 मार्क्स। इसको देख लेते हैं एक बार, अनुदेश देख लीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर दें जैसा कि सभी में होता है। और इसमें दिया हुआ है, मेंशन किया गया है, एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएँ तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर ना लिखे जाएं। मतलब अगर आपने 1 स्टार्ट किया है तो उसके जितने सब पार्ट्स हैं सब मेंशन कर दीजिए, बीच में उसको नहीं करना है। यह अनुदेश 65th वालों को दिया जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। देखिए, पहला इसका सेक्शन जो है वो एसे का है। ठीक है, इसमें 6 एसे आए हुए हैं। टॉपिक देखते हैं, किसी एक पर लिखना है, इसके मार्क्स 30 है, तो आप मान के चलिए कि 100 में से 30 आपने यहीं पेपर कर लिया। ठीक, इसमें पहला है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, आप लिख सकते हैं भारत की संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति, तीर्थ यात्रा वर्णन, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और परिश्रम स्वर्ग से भी बढ़कर बहुमूल्य वस्तु है। तो थोड़े फिलोसफिकल थे और थोड़े जनरल से पूछे गए थे इस पर, तो आप इजली इसे टैकल कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, किया भी होगा आपने। नेक्स्ट जो इनका क्वेश्चन आता है, आया है इस बार, वो एक 1/3 लिखना है। ठीक है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें जो भी इसके वर्ड लिमिट्स हैं उसको 1/3 आपको लिखने हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, तो 30 मार्क्स के ऐसे और 15 मार्क्स के आपका ये क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का है, इसमें क्या करना है, कुछ वाक्य दिए हैं इसको आपको शुद्ध करना है, या शुद्ध वाक्य दिए हुए हैं ढेर सारे, इनको आपको शुद्ध करना है। जिसमें दिया हुआ है, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, वह आगे बढ़ सकने का प्रयत्न करता है, देवता को एक फूलों की माला चढ़ा दी, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने देखा पहले ऐसे आया था, फिर 1/3 लिखना था, फिर ये शुद्ध अशुद्ध करना था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुहावरे पूछे गए हैं और किन्हीं 5 का अर्थ बताते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। जैसे कि मुहावरों का होता ही है कि उनको आप पहले पहचानिए, फिर उनका अर्थ बताइए, फिर उनको किसी वाक्य में शब्द रचना करके उसको बता दीजिए वाक्य प्रयोग करके। तो इसमें आपको 5 करने थे और 3 मार्क्स के 1 थे, तो यानी 15 मार्क्स आपने यहाँ गेन कर लिया। इसमें पहला था, आज आया था, जो दांत काटी रोटी, हवा से बातें करना, हाथों के तोते उड़ना, 2 दिन का मेहमान, आज 3 का सांप, कुएं में भांग पड़ी, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो आप इजीली इसमें से 5 करके अपना आंसर दे सकते थे। और था, जस दूल्हा तस बनी बारात, नीचे के दांत नीचे, ऊपर के दांत ऊपर रह जाना, हीरा मुझसे न कहे लाख हमारो मोल। ठीक है, तो आप इजीली इसमें से 5 निकाल के कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, 63rd में संज्ञा की परिभाषा पूछी गई थी और 64th में समास की परिभाषा पूछी गई है। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे संज्ञा पूछी गई थी और उसके उदाहरण पूछे गए थे, यहाँ समास पूछा गया है, उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखना था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसके मार्क्स 10 थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आया है इस बार, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, तो किन्हीं 5 को लिखना था आपको, और हर के आंसर नंबर, मतलब हाफ मार्क्स का क्वेश्चन था ये, तो ये 2.5 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था। इसमें क्या क्या पूछा गया था, शरीर है, गंगा है, झंडा है, अग्रि है, बादल है, सेना है, अतिथि है, शत्रु है, आकाश है, हवा है। तो जितना कि बेसिक होता है कि आप हवा, आकाश, बादल, गंगा और शत्रु अगर पढ़ लेते हैं तो भी ये आपके क्लियर हो जाता, तो मतलब इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी इस पेपर में। नेक्स्ट देखिए, 6 का सेकेंड पार्ट है, ये भी हाफ मार्क्स के क्वेश्चन है और 2.5 मार्क्स का टोटल। इसमें क्या करना है कि नहीं 5 शब्दों के विलोम बताना है, वहाँ पे पर्यायवाची, यहाँ विलोम, तो आप इसको भी इजीली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए 1 शब्द लिखिए। ठीक है,
जैसे 10 मुखों वाला जिसमें जान ना हो, 15 दिन का समूह जो पढ़ने लायक हो, जो ग्रहण करने योग्य ना हो, जो शक्तिहीन हो, उच्च कुल वाला जो बातें पहले ही हो चुकी हो, दूसरों के मन को जानने वाला, कविता लिखने वाला। ठीक है, तो आपको इसमें से पाँच में से इनके पाँच के आंसर देने थे। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 5 मार्क्स का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा लिखते हुए उसके भेदों को उदाहरण लिखिए, सुधारण लिखिए, तो ये भी 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर समास पूछा गया था, यहाँ पे सर्वनाम पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, तो ये अशुद्ध शब्द हैं, उनको शुद्ध लिखना है। जैसे ये उपरोक्त है, महत्वाकांक्षा है, दुष्कर है, निष्पक्ष है, रचयिता है, आशीर्वाद है, माननीय है, उत्तरदायी है, पृष्ठ पेंशन है और औषधीय। ठीक, तो इनके लिखने थे उत्तर, शुद्ध रूप लिखने थे। ये भी कितने के मार्क्स थे? 5 मार्क्स के। ठीक है, तो पेपर अगर देखा जाए तो नॉर्मल था और ये क्वालिफाइंग जैसा इन नेचर था, तो आप इसे इजीली हैंडल कर सकते थे पेपर, और आपने किया भी होगा। और 65th वालों को इसको देख के जो है, इसी हिसाब से आगे भी जितने हमारे पेपर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको देख देख के एनालिसिस करिए कि आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपको हर तरह से तैयार रहना है। ठीक है, और 64th मेंस देने वालों के लिए, नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। आप इजीली ये पेपर को हैंडल करिए, आप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।